लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पूरा प्रशासन हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। सवाल यह उठता है कि आखिर सिस्टम कैसे फेल हो गया, कड़ी सुरक्षा के बीच इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे।
नीलकंठ चतुर्वेदी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कुछ बताया नहीं, अपने डिपार्टमेंट का आदमी है, थोड़ा आराम से पूछताछ करना, ठीक है? चौबे रहेगा, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पानी पियोगे? पानी लेके आओ। अब बताओ क्यों मारा? उसको मारना ही था, मार दिया। वजह क्या थी? वजह? वजह कौनों दल के साथ मुखबिरी किया है, पुलिस को कैसे पता लगा? कौन करेगा? वही जो दल में सबसे पीछे चल रहा था। पुलिस से बचे की खातिर? क्यों किया? दल के साथ दगाबाजी क्यों किया? तुमने ही खबर पुलिस को दी ना? क्या सोच रहा था तू बच जाएगा? दगाबाजी? दल के साथ दगाबाजी करेगा? दगाबाजी? रोटीला
अरे क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो एक दूसरे को, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो एक दूसरे को, वो जेलर साहब आ जाएंगे। अरे पंडित जी, अरे 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 पंडित जी, अरे उठिए उठिए पंडित जी, उठिए। अरे पंडित जी, अरे आपको लगी तो नहीं पंडित जी, ठीक तो है ना पंडित जी? ठीक है ठीक, बच गया दोस्त से, अगली बार फिर मार खाएगा। मेरे बीच में मत आया करो, समझे बड़ू? अगली बार उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। अपनी जवानी बिताओ मत, आज है कल नहीं रहेगी, यही बुढ़ापा एक दिन तुम पर भी आएगा। बुढ़ापे में भी डायलॉग तो अमिताभ बच्चन वाले देते हो। कट न कट जिंदड़ी, जलती लकड़ी सी धड़के है, जलती लकड़ी सी धड़के है, हो माटी में समाए जल के, अगन ये बुझाए ना बुझे, हो अगन ये बहुत अच्छा गाते हो ना, और सच्चा भी। आराम का काम है, विजिट है। जिंदड़ी काट ना कटे जिंदड़ी। अनु के रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ जी आने वाला है सर। गुड। बाबा ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? मैं हटवाता हूँ। आप रहने दीजिए, घर जाइए आज, और हाँ कल जब आइएगा तो मिठाई का पैकेट लेते आइएगा। जी जी सर। अरे तो जाइए। जी हाँ। जी सर। अरे आइए आइए पंडित जी, क्या लेंगे? 250 ग्राम पेड़ा देना बाबू, 250 ग्राम पेड़े बांध दे। और कुछ लेंगे पंडित जी? नहीं नहीं और कुछ नहीं। कितना हुआ? और कुछ लेंगे? नहीं नहीं और कुछ नहीं चाहिए। इसका छोड़ दीजिए, हो गया महाराज। अरे नहीं पैसे तो बताइए। अरे हो गया ना महाराज। अरे ऐसा क्यों कहते हो? अरे दे रहे हैं तो दे दीजिए, 150 रुपया हुआ। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे सुगना, ये साड़ी कहाँ से ली है? बहुत प्यारी लग रही है। यही राजस्थानी मार्केट से ली है। मुझे बताना। हाँ मैं भी लूंगी, बस अनु का ब्याह पक्का हो जाए। कैसे काटोगी अनु के बाद? भाई इसी वास्ते तो कहते हैं घर में एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बेटे का होना बहुत जरूरी है? और वो बेटा बुढ़ापे में घर से निकाल दे फिर? बेटियां कम से कम घर तो नहीं छीनती। और हाँ आप ना मेरी माँ को भड़काया मत कीजिए, आप कलेक्टर बन जाओगी तो सबको अंदर करवा दूंगी।
अरे इस वक्त देख कौन आया। अरे बाबा आप लो आ गए तुम्हारे जेलर। बाबा आप जल्दी आ गए। अरे बेटा तेरा आज रिजल्ट है ना। जी बाबा। तो जेलर साहब ने मुझसे कह दिया कि तुम आज जल्दी घर चले जाओ। तो बेटा क्या रहा आज रिजल्ट का? बाबा वो बाबा। हाँ हाँ बता ना। एक विषय में फेल हो गई। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से देना परीक्षा। बाबा क्या आप कितने भोले हैं, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगली बार अच्छे से परीक्षा देना। आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा। फिर ठीक है मैं पास हो गई। हाँ? क्या? हाँ बाबा 92% से। तू अपने बाबा को बहुत परेशान करती है ना। सॉरी बाबा। चल चल ये मिठाई बांट दे सबको। चल। बहुत खुश था हमारा परिवार, मेरी बेटी मेरी जान थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैंने दूसरा बच्चा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी बेटी को सारी खुशियां देना चाहता था। जब वो पैदा हुई थी तो मैंने पूरे जेल में मिठाई बंटवाई थी, सबसे कहता फिरता था अब अच्छे से पेश आना मुझसे, मैं बाप बन गया हूं बाप। फिर क्या हुआ? चले आजा चल। आंगन की तू रौनक, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी दुनिया। मेरे आंगन की तू रौनक, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरी दुनिया। कल तू जब होगी पराई मेरी नन्ही गुड़िया, मेरी नन्ही गुड़िया। तेरे बिन सोनी सोनी हो, तेरे बिन सोनी सोनी होगी सारी दुनिया, होगी सारी दुनिया। लाडो रानी आवेगी ना निंदिया, ओ लाडो रानी आवेगी ना निंदिया। लाती बोली में वो तेरा बतियाना, तुत लाती बोली में वो तेरा बतियाना, वो तेरा हंस जाना, हंस के फिर रूठ जाना। छोड़ मीठी यादों को हो, जाएगी चिड़िया उड़ जाएगी चिड़िया। ओ लाडो रानी
आवेगी ना निंदिया, ओ लाडो रानी कटेंगे ना रतिया। नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे सर को सहलाना, नन्ही नन्ही उंगलियों से मेरे सर को सहलाना, कांधे पे सर रख के वो तेरा सो जाना। छोड़ मीठी यादों को हो, जाएगी चिड़िया, ओ लाडो रानी आवेगी ना निंदिया, ओ लाडो रानी कटेंगी ना रतिया। अगली बार भागेगा तो टांगे तोड़वा दूंगा तेरी। सर 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 प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए सर, जाने दीजिए, इसे दूसरी सेल में डालो, रात का खाना नहीं देना इसे। जी सर। क्यों करता है? मजा आता है। भाग जाएगा यहां से? नहीं। फिर क्यों करता है? काम नहीं होता, थोड़ा आराम भी चाहिए। चल अब लंबा आराम कर ले। पंडित जी खाना मिल जाएगा? लाल सलाम जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद। बहुत बार देख ली हमने, अब भी हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। अब कछु ऐसा करना पड़ी है कि सरकार को समझ में आ जाए। अभी मेला लगने वाला है, पुलिस छावनी वहां भी लगेगी। हमें पूरे मेला में सिर्फ पुलिस छावनी पे हमला करना है, बाकी जनता ने परेशानी नहीं देनी है। फिर सबने पता कैसे चलेगो? जो मिलता है सबको मारो। पब्लिक हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी दुश्मन सरकार है, पुलिस है, बाकी जनता ने कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छे से समझ लो इस बात को। क्या देख रहे हो? देख लो, कुछ दिन बाद घर से चली जाएगी वो। मैं घर जमाई लाऊंगा। बस तो फिर हो गई शादी। चलो अब।
माँ तू तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों मैं छत पे नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती हो माँ, मैं कह रही थी हा? मुझे नीचे बुला लेती। देख बेटा ऐसा है, पढ़ाई तो हमने भी बहुत की है, लेकिन कॉलेज के रिजल्ट के बाद किसी को ऐसे किताब लेते नहीं देखा। हुँ? क्या पढ़ रही है? माँ तू क्या करेगी, छोड़ना। दिखा। छोड़ना माँ क्या करेगी तू? दो मिनट के लिए दिखा, पढ़ क्या रही है? दे दे। अरे जा कहाँ रही है बता। गई। ये हो रही तेरी पढ़ाई? जी चतुर्वेदी जी। जनाब वो शंकर को खाना देना है। जी जनाब। जाओ दे आओ। जी जी जनाब। चलो खाना खा लो। पंडित जी आप अच्छा हुआ आप आ गए, कसम से बहुत जोर से भूख लगी थी। अकेले बैठे बैठे यहाँ जान निकल रही थी पंडित जी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे वो अलग। कसम से आप पंडित जी आप भगवान हो पंडित जी। चलो आओ। क्यों करते हो ये सब? लंबी कहानी है, सुनोगे? सुनाओ अपनी लंबी कहानी। हम अपने मोहल्ले की एक लड़की से प्यार करते थे, वो भी बहुत ज्यादा वाला। हम जाएं? क्यों? क्यों क्या? यहाँ क्या झाड़ पत्ते देखने बुलाए हो? हमको तो लगा था तुम हीरो हो, तुम तो फुद्दू हो। फुद्दू? हाँ हम लड़की हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, तुम्हारे बाजू में बैठे हैं और तुम झाड़ पत्ते ताक रहे हो। हम जा रहे हैं। प्रिया प्रिया रुको तो प्रिया। हाथ क्यों पकड़ा? दम है ना, तो फिर से आ जाना मिलने के लिए, हम जा रहे हैं। और हाँ देखते रहो अपने झाड़ पत्ते। और वो वहां से नाराज होकर चली गई। लेकिन अगले दिन हम फिर मिले और इस बार मैंने मौका देखकर उसका हाथ पकड़ ही लिया। अब पूछोगी नहीं, फिर हम रोज छिप छिप के मिलने लगे और एक रात मैं उससे मिलने उसके घर पहुंच गया। तुम अंदर कैसे आ गए? तुम जाओ यहां से, नहीं तो कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा मेरा इनाम। हम बस किस करने ही वाले थे कि ठीक उसी वक्त उसके बाप ने बत्ती जला दी। पापा? उसके बाप ने हमें एक झापड़ मार दिया और हमने भी दिया पलट के उसको। उसका चाचा जो पुलिस में था, उसने साले ने झूठे केस में हमें अंदर कर दिया और अब हमारी जमानत ही नहीं होने देता। तो वो जो बुरके में आती है वो कौन है? अरे वही तो है आपकी होने वाली बहू। सब ठीक हो जाएगा।
आ गए? ये लीजिए खाना। अच्छा, मैं कह रही थी समधी जी से बात करके ब्याह की तारीख निकलवा लो। हाँ, बात हुई थी मेरी, अगले माह का कह रहे हैं। उनकी कोई जमीन है, बोल रहे थे उसका सौदा होते ही। ठीक है। अच्छा, मेले जाने की जिद कर रही है वो? तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते? मैं ही पटर पटर बोले जा रही हूं। अरे, ले जाएंगे मेला भी उसे और तुम्हें भी। हाँ, मेरी कोई उम्र है मेले जाने की? जेलर साहब की बीवी बच्चा भी आ रहे हैं। ठीक है। बोलना अपने बाप को, माफ कर दे हमें। क्या जरूरत थी धर्मेंद्र बनने को? काहे उखाड़े हैंडपंप? अरे, हैंडपंप सन्नी देओल ने उखाड़ा था यार। क्या जरूरत थी? बुद्धि घूम गई थी हमारी। मेरी सहेली है रजिया, उसने अपने पति से बात की तुम्हारी जमानत के लिए, और किसी को बाहर पता भी नहीं चलेगा। जमानत होते ही सीधा आगरा निकल जाना, वही मिलेंगे। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब मैं किसी को छुरा भोंक के अंदर आ जाऊं? मेला जा रही हूँ माँ और बाबूजी और भैया के साथ। चलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। हम बहुत जल्दी आएंगे प्रिया। तैयार हो गई? अगला मेला तो तुझे जमाई राजा ही ले जाएंगे। क्या बातें चल रही थी माँ बेटी के बीच? मैं उसे छेड़ रही थी। हो, आओ जरा, अब हम तुम्हें छेड़ दें। शर्म करो, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। बालों का क्या, दिल तो अभी जवान है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हरी बिना जग सूना, सूना सू। पलट, तेरा ध्यान किधर है? हनी डांसर इधर है। कई बड़े शहरों में आग लगाने के बाद आपके अपने शहर बिलासपुर में असहज से मीठी, इमली से खट्टी, राजस्थान की तीखी मिर्च, तो पेश है हनी डांसर। हेलो, आई एम हनी ऑर्केस्ट्रा शुरू। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? थैंक यू, आई एम फाइन बट वेरी बिजी। छोरी में देसी विदेसी फैशन, तुमको से मेरे ही ला दूने संग। अरे छोरी में देसी विदेसी फैशन, तुमको से मेरे ही ला दूने संग। मेरी अदाएं हैं नखरों वाली, बोली मैं बोलूं अंग्रेजों वाली। महंगा बहुत मेरी मीटिंग का सेशन। चर्चा है गलियों में किस्से बाजारों में, छपती रहे मेरी खबरें अखबारों में। ओ, टीवी सनी मापे में ही मैं
सरकार कर दूं इशारों में मेरे अदाएं हैं नखरों वाली बोली मैं बोलूं अंग्रेजों वाली महंगा बहुत मेरी मीटिंग का सेशन आई हाय आई अंग्रेजन छाई अंग्रेजन आई अंग्रेजन छाई अंग्रेजन आई अंग्रेजन छाई मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को गोली मार दी। उसकी आंखें नहीं भूल सकता मैं। चाय पियेंगे आप? अरे कोई है बाहर तो चाय ले आओ, स्पेशल बनवा के लाना, और हाँ शक्कर कम, ठीक है? जाओ। आगे खून से लथपथ मेरी बच्ची मेरे सामने थी। अनु बेटा, अनु हमने गोलियां तो निकाल दी हैं, लेकिन खतरा तो अभी भी बना हुआ है। डॉक्टर, हमारी अनु बच जाएगी ना? हम कोशिश कर रहे हैं।
सो जाए। अनु, ए अनु, ए अनु, अरे सुनो, अरे बेटा, अरे सुनो जल्दी आओ, देख देख बाबा है, अनु देख ना, अनु, अनु बेटा, डॉक्टर को बुलाओ ना, हाँ मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, अनु, सब ठीक हो जाएगा बेटा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, कुछ नहीं होगा बेटा, डॉक्टर से बहुत तेज तेज चल रही है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब देखो ना, ये अनु, अनु, अनु बेटा, ये अनु, ये बेटा, अनु सवाल सवाल और सिर्फ सवाल, पर प्रशासन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को देखते हुए सभी अधिकारियों को तलब किया है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ हर साल की तरह इस साल भी मेला लगा था। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे, पर उन्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। आखिर इस नरसंहार का सरकार के पास क्या जवाब है?
कुछ खा लीजिए। नहीं खा पाऊंगा मैं। जिंदगी रुकती तो नहीं है ना? हाँ जानता हूं, तुम खा लो, मैं एक राउंड लेकर आता हूं। राम राम पंडित। राम राम। कुछ सोचा है बिटिया की तेरी ही के बारे में? कुछ सोचा है? बेटी चली गई, क्या करेंगे तेरवी करके? करना तो पड़ेगा ही, समाज है, समाज के कुछ नियम है। 1152 खिलाई दे, नहीं तो अन्नू बिटिया की आत्मा भटकेगी। तू कर्म बिगाड़ रहा है उसका। जीना पड़ेगा एक दूसरे की खातिर। राम राम। एक बात कहूं? बोलो। आपको ऐसे देखा नहीं जाता, आप कल से ड्यूटी जाना शुरू कर दीजिए, ऐसे जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारी अनु बिटिया वापस
आप चाहें तो मैं आपकी छुट्टियां बढ़वा दूंगा। मैं काम करना चाहता हूं जनाब। ठीक है। चलो इसको उठाओ, इसको उधर रखो, इसको भी उठाओ, चलो उधर रखो इसको, ठीक से करो, ठीक है। मैंने सुना आपकी बेटी के बारे में, बहुत बुरा हुआ। सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो शंकर, काम में लगो। हाँ इधर से भी उठाओ, हाँ उधर से भी। अरे साफ करो उसको यार, क्या कर रहे हो। हाँ उसको भी। ए चलो, छोड़ूंगा तेरे को। पंडित जी, बारक तीन में खाना दे आओ, चेक हो गया है। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है।
जब आप अच्छी बैटिंग कर रहे हो तब रन आउट होना बहुत बुरा होता है। ऐसा आपकी या आपके पार्टनर की गलती से हो सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके आसपास कोई धूम्रपान करता है तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। समझदार बने, तंबाकू से रन आउट होने से बचें। मैं तुझे जानता हूं, मैं भी तुझे जानता हूं। वो तेरी ही बेटी थी ना मेले में? अरे कोई जल्दी आओ! अरे क्या क्या हुआ? अरे उठा 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 आराम से।
आप एक मुर्गी कटते हुए नहीं देख सके? फिर पदम को मारने की हिम्मत कहां से आ गई? जिस बाप ने अपनी बेटी खोई हो वो एक ऐसी आग में जलता रहता है जिसका ताप उसे कठोर बना देता है। वो सारी दुनिया को जला सकता है। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो सही। अरे कौन है? मैं नीलकंठ। अरे पंडित जी आप? हाँ मुझे मुर्गी चाहिए। इतनी रात को? वो जेलर साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। रुकिए एक मिनट, रुकिए आता हूँ मैं। चलिए पंडित जी, आ रहा हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है पंडित जी, आप बैठिए मैं काट देता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप काटो। आप थोड़ा सा पंडित जी, मैं बना दे रहा हूँ ना। ठीक है आप काटो। ये लीजिए पंडित। अरे आ गए। कहाँ गए थे? बता काहे नहीं रहे हो? कहाँ गए थे इतनी रात को?
टॉवल दे दो। कुछ बोलोगे भी? हाँ, एक कप चाय मिलेगी? काहे नहीं मिलेगी, हमें कुछ बताना तो है नहीं, हमें भी छोड़ दो मरने के लिए। मैं कमजोर था और वो ताकतवर। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। जेल में उसे रोज खाना तो देता था, पर हर समय मुझे इसकी तलाश रहती थी कि कैसे उसे मारूं। मुझे और कठोर बनना था। फिर अगले दिन वो हुआ जो शायद नहीं होना था। पंडित जी। अरे आप आइए आइए। नमस्ते। क्या सोए पड़े हैं अभी तक? नहीं नहीं, मैं उठ गया था। भाभी से मिल लो। यहां से गुजर रहा था, सोचा मिलते चलूं। कैसी हो दीदी? आ सुगना, बैठो। खाना बना रही हो? दीदी बहुत बुरा हुआ। सुगना, अगर अन्नू की बात करने वाली हो तो मत करना, बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं। वैसे दीदी, एक बात पूछना था आपसे। क्या? भैया ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? ना। मतलब कुछ भी नहीं बताया? दीदी पदम। कौन पदम? अरे वही जिसने अन्नू को मारा है। भैया रोज जेल में उसे खाना खिलाते। सच कह रही हूँ दीदी। अच्छा ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। चलो। अच्छा नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ पदम? इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। मेरी बेटी के हत्यारे को खाना खिलाते हो? छी, मुझे भी मार डालो। वैसे भी काट के अपने आप से अलग कर ही चुके हो, पता भी है कैसे जी रही हूं मैं। हाथ नहीं लगा। तुम्हारे ये जो हाथ है ना, हमारी बेटी के खून से सने हुए। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हाँ, आपको छोड़कर इस उम्र में तो नहीं जा सकती। रहूंगी इसी छत के नीचे आप ही के पास, लेकिन साथ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी साथ।
उससे बेचैनी काट रहा धुंध है छाई दूर तलक जो उसमें जाने क्यों भाग रहा एक अजब सा मंजर छाया जिसमें है सब जिसमें है सब खोना सुना सुना घर का आंगन सुना मन का कोना सहरात के सन्नाटे में चुपके रोना चुपके चुपके पंडित जी आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं अरे गाली देना है दे लीजिए मारना है मार लीजिए पर हमसे बात कीजिए पंडित जी मेरे पास बात करने के लिए कुछ है नहीं हमें मालूम है आप अंदर ही अंदर जल रहे हैं आपकी बेटी को पदम ने मारा है ना
मार दूंगा, मैं मार दूंगा उसे। अरे कैसे मारेंगे आप, बूढ़े हो चुके हैं, शरीर साथ नहीं देगा आपका। मैं ही मारूंगा उसे। पंडित जी आप समझ नहीं रहे हैं, वो ताकतवर है, जवान है, आप नहीं मार पाएंगे उसे। तुम जाओ यहां से, जाओ। आप चाहें या ना चाहें, आखिरी रास्ता हम ही हैं। पंडित जी, बैरिक नंबर 3 का खाना। पंडित जी बैरिक 3 में खाना पहुंचा दीजिए। ये खाना खाऊंगा मैं, ये कचरा खाऊंगा? हट, अपने जेलर को बुला के ला, जा। यहां यही खाना है। अपने जेलर को बुला के ला बुड्ढे, जा। तू दड़बे में कैद मुर्गी है, कसाई तेरा इंतजार कर रहा है, तेरा नंबर आते ही। ये जेल है, उसके बाप का घर नहीं। चलो। क्या है ये, कैसा खाना है, कौन खाता है ऐसा खाना? ये जेल है, यहां ऐसा ही खाना मिलता है। मैं नहीं खाऊंगा। तो मत खा। ए जेलर, तू मुझे जानता नहीं अभी। ये मेरी जेल है, यहां तो जैसे कई चूहे रहते हैं, और चूहे कभी कभी जेल में मर भी जाते हैं। अगर मैं मर गया ना, पूरे छत्तीसगढ़ में आग लग जाएगी। पता कैसे चलेगा कि तुम मर गया? जो मिल रहा है वो खा, वरना वो भी नहीं मिलेगा। प्रमोद वर्मा, मुझे बेहद अफसोस है कि गोली तेरे बेटे को लगी। गोली तो तुझे लगनी चाहिए थी। सर 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 सर, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। महंत जी, पदम को छोड़ाए खातिर कछु नहीं कर रहे। हमारा नियम तोड़ा है उसने, आम जनता को मारा है। अरे पर वो है तो अपने दल का सदस्य। हाँ, पर अपने दल के कछु नियम है, हम नहीं छोड़ाएंगे उसको। डोसा, डोसा क्या है? मुझे तेरी मदद चाहिए। तू पागल तो नहीं हो गया है? कभी लड़ता है फिर मदद मांगता है। बोल करेगा,
क्या करना है? ओ जेलर, जेलर खाना दे, ओ जेलर खाना दे। खाएगा या ले जाऊं वापस? जहर तो नहीं मिलाया इसमें? अगर मिला सकता तो जरूर मिला देता। न तू मुझे मार सकता है, न तेरा जेलर और न कोर्ट। तेरे बिरादरी वालों ने तेरा बहिष्कार कर दिया है, तेरे दल वालों ने तुझे अपना मानने से इनकार कर दिया है। तू अगर अभी मरेगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत मारा है तुम लोगों ने मुझे, कोर्ट में क्या जवाब दोगे? चलिए पंडित जी। एक मिनट, एक मिनट। क्या क्या हो गया पंडित जी? मैं काटूंगा। क्या बोल रहे हो पंडित जी? हाँ, मुझे काटना है। बात क्या है पंडित जी? लाओ लाओ मुझे दो। लास्ट वार्निंग, अब जेल में कोई हाथ नहीं उठाएगा। पदम एक विचाराधीन कैदी है, इस वजह से उसे खाने की छूट की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई बाहर से लाकर देता है तो, या उनका कोई रिश्तेदार लाकर देता है तो, वरना जेल का ही खाना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने खाने में जहर मिला दिया तो? जेल की व्यवस्था पे सवाल मत उठाइए, आपका खाना चेक होके आपको मिलता है। ऐसी कोई भी चीज जेल के अंदर नहीं आ सकती। सर ये रहा मेडिकल। आप लोग ख्याल रखो, ये चीज ठीक नहीं है। जी सर। हनुमंता बलदेवा, साइकिल चोरी केस नंबर 508 हाजिर हो। पंडित जी,
देखो पंडित जी, हमें मालूम है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तुम पदम को मारना चाहते हो ना, पर मार पाएंगे नहीं। सिर्फ हम ही आपकी मदद कर सकते हैं। क्यों कर रहे हो? अरे बाप जैसे हैं आप हमारे, आप ही के जैसा था वो भी। जिंदगी खराब मत करो। जाने दो पंडित जी, हम आपके शिकार को लंगड़ा करके आपके हवाले कर देंगे। आप बस अंदर के दोनों बैरक की चाबियों का इंतजाम कीजिए, बाकी हम बाद में बताएंगे आपको। चलते हैं। एक रात सुजाता ने मुझे कसाई के यहां देख लिया। उसने कुछ बोला नहीं, पदम। कैसा है? क्या हुआ? क्या बात है चतुर्वेदी, बहुत बदले बदले नजर आ रहे हो। हाँ बदल तो गया हूं। सोचता हूं तुझे मारूं कैसे। जब तेरी बेटी को मैंने मारा था तब तो कुछ कर नहीं पाया था, और मेरी ड्यूटी रोज बजाता है। सरकार की ड्यूटी, मरने से बहुत डर लगता है ना। तेरा डर तेरे चेहरे पर दिखाई देता है मुझे। सोचा अंतर मन की कलह ये, इसका और न छोर, इसका और न छोर, इसका और न छोर। मन का मन पे वार है ये, इसकी चोट कठोर, इसकी चोट कठोर, इसकी चोट कठोर, इसकी चोट कठोर। अरे अंतर मन की कलह है ये, इसका और न छोर, मन का मन बेवार है ये, इसकी चोट कठोर। फिर भी जिद की नाव लिए मुझे उल्टी धारा बहना है, फिर भी जिद की नाव लिए मुझे उल्टी धारा बहना है। रचता समय है दृश्य ने, हर रात के बाद है भोर। चल खुद को ले चक छोर, लड़ ले तू घनघोर। चल खुद को ले चक छोर, लड़ ले तू घनघोर। चल खुद को ले चक छोर, लड़ ले तू घनघोर। जगा रगों में नई जवानी, कस ले बाजू बांध ले मुट्ठी, जगा रगों में नई जवानी। रोंद के मुश्किल आगे बढ़ जा, तेरी शक्ति तुझे जगानी।
खामोशी की ओढ़ के चादर लक्ष्य को तकते रहना है। ओ खामोशी की ओढ़ के चादर लक्ष्य को तकते रहना है। अंत से शुरू हुआ जो अंत उस अंत का मिटेगा शोर। चल खुद को ले झकझोर लड़ ले तू घनघोर। चल खुद को ले झकझोर लड़ ले तू घनघोर। चल खुद को ले झकझोर लड़ ले तू। पत्थर बन के पानी लिख साहस की नई कहानी। ओ काट दे पत्थर बन के पानी लिख साहस की नई कहानी। लगा हौसलों के पर उड़ जा खुद में भर ले नई रवानी। थाम के डोरी उम्मीदों की तूफानों से लड़ना है। थाम के डोरी उम्मीदों की तूफानों से लड़ना है। अंत से शुरू हुआ जो अंत उसे अंत का मिटेगा शोर। चल खुद को ले झकझोर लड़ ले तू घनघोर। चल खुद को ले झकझोर लड़ ले तू घनघोर। चल खुद को ले झकझोर लड़ ले तू घनघोर। सर वहां कैदी आपस में लड़ रहे हैं।
पदम 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 चलो निकलने का वक्त हो गया। महंत ने मुझे भेजा है। महंत ने? लेकिन मुझे तो कोई खबर नहीं भिजवाई। अभी थोड़ी देर बाद महंत बाहर धमाका करेगा, उसी वक्त हमें निकलना है। चलो, चलो। अरे लेकिन आओ चलो 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लान बनाया है चतुर्वेदी। तू मुझे मारेगा आ? Ah!
हमारी बेटी को मारा था इसने सर, हमने इसे मार दिया। मुझे अपना गुनाह कबूल है, एक दरिंदा आकर मेरी बेटी को गोली मार देता है। उसकी शादी होने वाली थी, बहुत सारे सपने देखे थे हमने उसकी शादी के, अपने नवासों के, कैसे सब खत्म कर दिया। हमें जो सजा मिलेगी मंजूर है, लेकिन एक सवाल है, खूनी को मारने की सजा होती क्या है? छोड़